ये जो आंकड़े उसने दिए वो चार चार बार सात बजट जिसने पेश किए, उसने ये बताने की कोशिश की कि क्या मैं उनसे पूछूंगा या उनसे शिक्षा लूंगा जिन्होंने कभी लोकसभा की शक्ल नहीं देखी। जो चार वोट जनता में ले नहीं सकते वो लोग तो इस देश को चला रहे हैं। इस देश का 70% मिनिस्ट्री हर पार्टी के अंदर राज्यसभा से आती है। ना जाने जो जनता जिनको चुन के भेजती है वो दरवेश बन जाते हैं, हाथ जोड़ करके आगे खड़े होते हैं। जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो इस देश की कमान, पहले व्हाइट स्किन के लोग चला रहे थे, आज ब्लैक स्किन के लोग ब्लैक के चला। लगता है कि हम अंग्रेजी सिस्टम को अभी भी ढो रहे हैं सर। और हाँ, लगता है ये व्यवस्था परिवर्तन होगा। ये 2019 में, अब हरियाणा से 2019 में आपकी गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? हरियाणा में इस सिस्टम को, देश को हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। अगर ये लोग हरियाणा के अंदर तांडव देख करके जाग चुके होंगे तो व्यवस्था को हम चेंज करके देंगे। एक परिवार एक रोजगार, हम दो हमारे दो, किसान मजदूर की इकट्ठी पॉलिसी और 100% आरक्षण, इस देश की चिर प्रतीक्षित मांग है। 70 साल पहले हम ये काम करते तो आज देश कहीं का कहीं होता, हर हाथ में रोजगार होता तो देश का निर्माण होता। आज देश को हम खैरात बांट करके, लैपटॉप बांट करके, मोबाइल बांट करके, सारी सरकारें देश को खैरात बांट करके, भिक्षुओं के भिक्षु बना करके देश को चलाना चाहते हैं। सर आपका भी सपना, चुनाव से पहले वायदे तो बड़े भाजपा ने भी किए थे, देखिए लेकिन आज हर वर्ग परेशान है। 15 लाख रुपए मोदी ने कहा, उसी पार्टी के सिपाही वाली सरकारों में इससे भी बदतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े भाषण दे रहा है आजकल किसानों के ऊपर। किसान पंचायतें कर रहा है, किसान जमावड़े भी हो रहे हैं, कोई तो जमा नहीं हुए जिंदगी तक, किसान जमावड़ा पता नहीं जमे नहीं जमा। लेकिन इसी प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा दलित सम्मेलन कर रहा, दलितों की गर्दन तोड़ दी, दलित सम्मेलन चल रहे। आज इस देश को जो है ना, जो लगा हुआ है ये सिस्टम हाईजैक है। जिन लोगों ने इस देश को कैप्चर कर रखा है सिस्टम को, उनके आगा हम और आप कहीं बोने। लेकिन जो आप ये बात कह रहे हो कि क्या 3 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो उसे किसी ने रोका था कि बेरोजगारी दूर करे या किसानों का हाल ठीक करे? और आज वो कैसे करेगा? छोड़ दी जाए तो छड़ी आ गई। हमारी भी टीम कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, पूरे प्रदेश के आग लगा दी, कहीं जाट आरक्षण, कहीं मराठा आरक्षण, कहीं पटेल आरक्षण, कहीं कापू आरक्षण। अरे सौ एक बड़ी बवाल काटो ना, सारे सबको आरक्षित कर दो 100%, कोई तेरा मेरा रहेगा ही नहीं। सबको आरक्षित जब हम करते हैं कि जनसंख्या के अनुपात में आकर जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण करो और एक बड़ी सबको सुनिश्चित कर दो कि तेरा ये है, जो भी सरकार का इंसेंटिव मिलेगा वो इस अनुपात में मिलेगा, तो देश में तेरा मेरा अपने आप खत्म हो जाएगा, जाति पाति भी अपने आप उड़ जाएगी। सर भाजपा सरकार एक बात कहती है हमने भ्रष्टाचार रोक दिया, लेकिन जनता कहती है उसका जो कद था वो बड़ा हो गया, पहले 500 में काम होता था 5000 में भी नहीं होता। देखिए मुझे ज्यादा नहीं पता कौन से खाते से 10-10 लाख रुपए पर पेशी आरक्षण दिलवाने के लिए वकील करके लोगों को दिए। हम आपकी लड़ाई, बैकवर्ड की लड़ाई हम अपने पैसे से लड़ते हैं और सरकार ने 10-10 लाख रुपए के वकील करके दिए हर पेशी में। वो कौन सा खाता था? ऐसा तो कोई खाता ही नहीं है, लेकिन पैसे दिए जा रहे हैं। अब भ्रष्टाचार एक नंबर का है, दो नंबर का है, कौन से खाते से दिए जा रहे हैं ये समझ में नहीं आया। ये जाटों की लड़ाई तो जब चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में थे 10 साल रहे सर, वो उन्होंने एक वकील बनकर के लड़ाई लड़ी उनकी, ना कि मुख्यमंत्री बने। नहीं, उसने तो ये बात कही थी कि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, जाट पहले हूँ। क्या शोभा देता है? उसका लड़का जो है ना कि कह रहा है कि ये गटर पटर पता नहीं कहाँ से निकला है, इनको जहाँ से निकले वहीं घुसेड़ करके आंट लगा देंगे। अब बताइए, एक दूसरा बोलता है कि मैं लोहा टाटा का, जूता बाटा का, जोड़ा जाटा का। अब बताइए बाकी के लोग भी होंगे इस प्रदेश में, आरोप हम पे लगाते हैं कि मैं जाति पाति। हमारे प्रजातंत्र में कहाँ लिख रखा है कि भाई आप किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को आप सड़क से रोक लेंगे? सर या तो कोई टेररिस्ट को रोका जाता है,
या कोई ब्लैक लिस्टेड आदमी हो तो रोक लिया जाता है। आप पार्लियामेंट क्षेत्र था आपका? मैं, मेरा पार्लियामेंट क्षेत्र है। इसके अलावा जो है ना, मैं जन समस्याएं सुनने के लिए वहां जा रहा हूं कि हमारा गांव है, जबकि उसमें 4500 वोट आधार है, लेकिन वो 4500 लोग बीच में पड़ गए, 1500 लोग हावी हो गए, वो यूनाइटेड है, बाकी लोग बिगड़े हुए। सर ये बताए, आप जैसे भाषा बोल रहे हो उससे लगता है आपका मिशन अगला मुख्यमंत्री बनने का है 2019। अभी आप बीजेपी के एमपी हो। पद बड़े नहीं होते, लक्ष्य बड़े होते हैं। हमारे लक्ष्य समानता का है। हम देश को 1% लोगों के हाथ में आज 80% पैसा है और 99% लोग 20 पैसे के मोहताज हैं। मोहताज लोगों की जेब में कुछ नहीं है, बाजार के बाजार सामान से भरे पड़े हैं, खरीदने की क्षमता न होने की वजह से आज इंडस्ट्री फेल हो रही है, सीमेंट उद्योग फेल है, प्लाईवुड उद्योग फेल है, रियल स्टेट फेल है, आज स्टील इंडस्ट्री फेल है। जब वो सारी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी तो आखिर रोजगार कहाँ रहेगा? ये सारा का नोटबंदी के बाद हुआ, आप क्या लगता है कि नोटबंदी सक्सेसफुल थी? देखिए, नोटबंदी से पहले ही जो अनाप शनाप प्रॉपर्टी डीलिंग की दुकान जो भूपिंदर सिंह हुड्डा ने इस कदर 10 सालों में प्रदेश की इकोनॉमी को उछाल दिया, फर्जी मतलब ये सिर्फ एक करप्शन का फर्जी बड़ा था कि टोपी घुमाई गई पैसे की, ना कोई चीज बनी न बिकी, बस बयाने पे बयाने होकर के प्रॉपर्टी की इतनी हाई कर दी प्राइस कि वो एकदम से धड़ाम से गिर गई। आप अपने पार्टी का गठन कब तक कर देंगे? कब कर रहे हैं? 26 नवंबर को तय करेगी जींद में कि कौन से रास्ते चलना है। मान लिया जाए नई पार्टी का गठन होगा उस दिन, जो जनता का है कि वो सब कुछ होएगा। सभी हलकों से अगर वो दिन आया, जनता ने डिसीजन लिया, तो ये कन्फर्म है कि व्हाट्सएप के जरिए, मैसेजिंग के जरिए सभी कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि ये एक हल्के में 3 आदमी है, ये 4 आदमी है या 2 आदमी है, आप इनको रिमार्क्स देके भेजो कि कौन कितने परसेंट पे है, इसको कितने नंबर देते हो, इसको कितने नंबर देते हो, तीसरे को कितने नंबर देते हो। ये तो है नहीं कि एक 0 है बिल्कुल और एक 100% का, मतलब दूसरे पार्टी की तरह टिकटें बेची नहीं जाएंगी अगर आपकी पार्टी गठन होता है तो जाएंगी, और ना टिकटें एयर कंडीशन कमरों में बांटी जाएंगी, टिकटें कार्यकर्ता डिसाइड करेंगे, उनका सम्मिश्रण निकाला जाएगा कि जनता ने इस मैसेज के अंदर किसको कितना वेट दिया। सर उस वेट के ऊपर जो है ना उसका डिसीजन होगा। सर पहले आपके एक सहयोगी थे रोशन लाल आर्य, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं उसके। मैंने तो उसको बहुत रोका था कि भाई अभी वो वक्त नहीं है, लोगों के काम है, अभी इतनी जल्दी आप पार्टी बना के जा रहे हो, जिसका सीन उसने 2-3 दिन पहले मैं कहना हाँ, 83 लोग आए उसमें सारे। ऐसा अगर आज बिज्जा और अगले दिन होगा और तीसरे दिन उसमें दराती लेके बैठ जाएंगे तो कोई काटने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, वो तो फसल समय में तैयार होती है। सर साहब अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री है, नया मुख्यमंत्री दिया है मोदी जी ने उतारा है मनोहर लाल खट्टर, उनका जो तजर्बा नया है क्या उसका नुकसान जनता को नहीं हो रहा है? देखिए एक्सपेरिमेंट में तो बहुत सारे हर वर्ग महसूस कर रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जी मैं मेरिट से नीचे आऊंगा नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं के पास तो एजेंडा होता है, मेरिट नहीं होती, कार्यकर्ताओं को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो पिछली सारी सरकारें, चौधरी देवीलाल ने लिख दिया था कर्जा माफ। सर जनता को तो छोटो भाजपा सरकार में कार्यकर्ता ही परेशान है। नहीं, वो कार्यकर्ता ही परेशान होते हैं, जनता तो कभी परेशान नहीं होती, कार्यकर्ता परेशान है तो जनता परेशान। कार्यकर्ता की बात करें, जैसे पानीपत में कल सीएम साहब गए थे, वहां पे उन्होंने कार्यकर्ता ने कहा कि सिर्फ बीजेपी वालों के ऊपर ही बिजली के रेड हो रही है, उन्हीं के ऊपर लगाए जाए जुर्माने, ऐसा कुछ एक दिन ऐसा सुनने में आया, कहां बोला गया मेरे ध्यान नहीं आ रहा, मैं बता देता हूं। पानीपत में रोए कार्यकर्ता उसके आगे? नहीं, उसको वहां बोला गया एक कि अगर कार्यकर्ता खुश होगा तो जनता परेशान, अगर जनता खुश है तो कार्यकर्ता, अगर कार्यकर्ता परेशान है तो जनता खुश होगी, जनता खुश होगी। तो मुझे इस थ्योरी का पता नहीं लगा, अभी इसका एनालिसिस बाद में देखूंगा, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, आपका परिवार अगर आपसे दुखी है
तो फिर आप गांव को खुश करने की आशा मत करना कि गांव खुश हो जाए। सर अब तक जो काम जो सरकार रही है 3 साल 2 साल जो भी है, आप 10 में से कितने नंबर देते हो भाजपा सरकार को? अरे यार कितने बड़ी नंबर दे दिए, 2000 क्या बनेगा। लगता है जनता जैसे दुखी है, परेशान है, आज रो रही है, तो जनता आपको मौका या कहीं कुछ प्लस में देगी आपको? वैसे मैं आप अलग अलग क्षेत्र में घूमते हो, जानता हूँ क्या लगता है आपको क्या? एक चीज जानता हूँ कि हर उसके शक्ति प्रदर्शन के बाद, हर आंधी के बाद एक सन्नाटा आता है। जो पीछे प्रदेश में भोपाल हुआ, अब उसके बाद शांति भी आएगी। अभी वो शांत नहीं हुआ माहौल, लेकिन शांति आएगी। शांत तो मंदी नगर रखेगी जी, मंदी नगर रखे हैं शांत तो नहीं, ये शांति नहीं है, उफान है।